हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है हमारी, वो आई है सगुन को लेके। क्या है ये, तो इसके बारे में जो कुछ फैक्ट हैं उनको हम यहाँ पे कवर है वो करते हैं। देखो, सगुन है वो एक पोर्टल है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है स और एक है गुन। स का यहाँ से लिया गया शाला से, जैसे पाठशाला होती है, शाला मतलब होता है स्कूल, तो स का मतलब हो गया स्कूल। गुण का मतलब यहाँ पे बेसिकली है एक तरीके से इनोवेटा, यानी कि क्वालिटी, उसको यहाँ पे यूज है वो किया गया है। तो ये आपको कुछ थोड़े फैक्ट है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। बेसिकली HRD मिनिस्ट्री का यह एक इनिशिएटिव है जिसमें सगुन नाम का एक पोर्टल डेवलप किया गया है। इसका मोटो क्या है, इस पोर्टल का सबसे बड़ा मोटो यही है कि हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी है ना, इसको इम्प्रूव करना। सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है कि भाई साहब, जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के एक तरह से फोकस यहाँ पे किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जो कि ये पोर्टल के तौर पे डेवलप किया गया है। और इसमें होगा क्या, डिफरेंट जो हमारे देश के अलग अलग जिलों में या बोलते तो अलग अलग स्टेट में यूटीज में जो स्कूल हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा एक ही पोर्टल के थ्रू। और उसमें एजुकेशन की क्वालिटी है, टीचर्स को भी सपोर्ट किया जाएगा और स्टूडेंट को भी इसमें सपोर्ट है वो किया जाएगा। देखो, इस पोर्टल में क्या है कि छोटे छोटे एप्लीकेशंस भी बनाए गए, मतलब सब पोर्टल बनाए गए हैं एक तरीके से। उनके थ्रू बच्चों को जैसे कि ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पजल्स वगैरह हो गई, या फिर कोई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कोई छोटा गेम हो गया जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें हैं वो इस पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड हैं वो करवाई जाएंगी। और ये जो सगुन पोर्टल यानी जो वेबसाइट है, इसी के तहत एक इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी है वो भी बनाई जाएगी। इसका मोटो ये होगा कि भाई साहब, जो भी इंडिया के सारे स्कूल हैं इनको एक जगह कलेक्ट किया जा सके और फिर वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी है वो, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कहीं भी इन्फॉर्म करना चाहेगी तो वो इस पोर्टल के थ्रू कर सकती है। इस पोर्टल में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यूनिफाइड वे में काम है वो किया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के जो स्कूल हैं इनको एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया गया है। सगुन पोर्टल के द्वारा एक जंक्शन टाइप का बनाया गया है, यहाँ पे सारे ऑनलाइन जो पोर्टल हैं अलग अलग स्कूल के वो सारे आपस में कनेक्ट होंगे। किसी भी स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ मिल सकती हैं। इवन किसी बच्चे को चाहिए उसके नियरेस्ट स्कूल कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, इस तरीके की सारी और भी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। टीचर्स को भी थोड़ा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए जाएंगे और स्टूडेंट से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगी। तो ये इंडिया का आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट इनिशिएटिव है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर, या फिट इंडिया प्रोग्राम। देखो, कल था नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को, और इसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट है प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था। इसका मतलब यह है कि अगर हम फिट रहेंगे, मतलब अगर हम एकदम ओके रहेंगे, हमारी हेल्थ एकदम सही रहेगी, तो ही इंडिया है वो फिट रहेगा। मतलब कि हमें अपने आप को फिट रखना है, इसके लिए हमें योगा है, व्यायाम, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें हैं इनको प्रमोट करना है, इन पे फोकस करना है और हर एक इंसान इंडिया में हेल्दी रह सके, ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स डे है वो कब होता है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे है कोप्रोलाइट को लेके। कोप्रोलाइट, देखो कोप्रोलाइट होता क्या है, देखो बहुत ही अगर पुराने अवशेष होते हैं ना किसी भी एनिमल या इंसान के, ये आप बोल सकते हो कि ये कोई भी, मतलब कि लगभग जैसे कि मिलियन ईयर्स एगो कोई भी पुराना अवशेष मिलता है उसको बेसिकली यहाँ पे कोप्रोलाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये आया है कि अभी एक ओल्डेस्ट पैरासाइट डीएनए है वो डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, अर्जेंटीना में। मतलब एक चट्टान थी वहाँ पे, उस चट्टान के अंदर एनिमल के जो मल या बोलते हो फिकल होता है उसका अवशेष है वो पाया गया है। तो उसी को लेके भी न्यूज़ आई कि भाई साहब वो मिलियन ईयर्स एगो है और बहुत ही पुराना है और कार्बन डेटिंग के थ्रू उसका पता चला है। तो वो आया है कि लगभग 16,500 से लेके 17,000 ईयर पुराना वो एक मतलब अवशेष है वो यहाँ पे देखा गया है। अब देखो, इससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसके जो भी ये भी पैरासाइट डीएनए मिलेगा है, इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि इसकी स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा कि उस टाइम पे कैसा खान पान था। क्योंकि देखो, जो भी यहाँ पे भी जीव का मल या बोल सकते हो फिकल मिला है उससे, उसमें क्या होगा, अगर जो मतलब जो जीव था वो कैसी चीज़ें खाता था उसके अवशेष ओब्वियसली वहाँ पे मिलेंगे। इसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि भाई उस टाइम पे कैसी प्रजाति पाई जाती थी, क्या खान पान था, तो हमें काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है। यहाँ पे एक UPSC इनडायरेक्टली, मतलब आप बोल सकते हो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है, वो हो सकता है कार्बन डेटिंग को लेके।
कि जो अवशेष होते हैं पुराने, आप बोल सकते हो कि काफ़ी पुराने, जब भी आपको एविडेंस मिलते हैं उनके किस मेथड से उनकी मतलब एज का पता है वो लगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग मेथड है, इसकी हेल्प से पता है वो लगाया जाता है। देखो, साइट्स के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, 2-3 दिन से डेली न्यूज़ आई रही हैं। तो अभी साइट्स को लेके 2-3 चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि आपको बता दूं है क्या। जैसा हमने डिस्कस किया था कि साइट्स है वो एक कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, इसको रेगुलेट है वो करती है। अभी इसमें एक तो अभी हमने देखा था कि उदबिलाव जो ऑटर है इसको IUCN की अपेंडिक्स में 1 में डाल दिया गया था। थोड़ा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, सॉरी IUCN नहीं, साइट्स की। साइट्स में क्या है कि 3 लिस्ट हैं, जिस तरीके से IUCN में अलग अलग है ना, वनरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, इस तरीके से अलग अलग, इसी तरीके से साइट्स के अंदर 3 पार्ट हैं। जो अपेंडिक्स 1 वाला होता है उसमें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उस प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को डाल जाता है, इवन प्लांट और एनिमल दोनों स्पीसीज़ को। इसके बाद अपेंडिक्स 2 में जिनको थोड़ा खतरा काम है वो, और अपेंडिक्स 3 में जिनको बहुत कम खतरा है इनको डाला जाता है। तो अभी 2-3 जो ये एनिमल की स्पीसीज है ना, इनको एक्चुअली चेंज किया गया है, किसी को अपेंडिक्स 2 से 1 में डाला गया है, किसी को 3 से 2 में, इस तरीके से। तो ये UPSC पूछ सकती है। तो एक तो अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो ऑटर है इसको साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। इसी के साथ अभी आया है कि इंडियन स्टार डॉट टॉर्टोइस, यानी कि इंडियन जो स्टार कछुआ होता है, इसको भी अभी साइट्स की कन्वेंस अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। और ये जो इंडियन स्टार टॉर्टोइस कछुआ की प्रजाति है वो मेनली इंडिया में पाई जाती है। इसके साथ ये थोड़े बहुत सबूत आप बोल सकते हो कि मतलब हैं, वो श्रीलंका में भी हैं और पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है जो कि इंडिया के बॉर्डर वाले हिस्से हैं वहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडियन स्टार टॉर्टोइस है वो इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में ही पाया जाता है, बाकी और किसी कंट्री में नहीं। और इंडियन स्टार टॉर्टोइस है इसे IUCN की वनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये आपको 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले ये जो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में था, अब इसको 1 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है क्योंकि इसके ट्रेड से इसका मतलब तरह से लुप्त होने के कगार पे आ गया था। इसी के साथ ही जो अफ्रीकन एलिफेंट है, यानी हम बात करें अफ्रीका के जो हाथी हैं, इनको अभी इनका ट्रेड है वो बंद कर दिया गया है कम्प्लीटली, कि भाई इनका ट्रेड है आप ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं कर सकते। अफ्रीका की कंट्रीज आपस में कर सकती हैं, जैसे कि ये आपको पता है कि अफ्रीका में एक कंट्री है जाम्बिया है, वो दूसरी जिम्बाब्वे को भेज रही हो, तो आपस में ट्रेड कर सकती हैं, बट बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका ट्रेड है वो बैन कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीकन एलिफेंट का भी ट्रेड रोक दिया गया है। इसके बाद में बात आती है जिराफ की। देखो, जिराफ है इसको साइट्स के अपेंडिक्स 2 में डाला गया है और वैसे IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में ये शामिल है। और अफ्रीका के अंदर जो जिराफ की पॉपुलेशन है वो लगभग 40% कम हो गई है, ये यहाँ पे एक डाटा दिया गया कि भाई लगातार इनकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपको 2-3 ध्यान रखने हैं, इंडियन स्टार टॉर्टोइस है अपेंडिक्स 1 में है, वो जो ऑटर था या उदबिलाव था इसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, इसको भी हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स को लेके। देखो, चाइना के द्वारा ये 1 कंट्री 2 सिस्टम मेथड है, इसको मतलब अप्लाई है वो किया जाता है, मतलब चाइना इस मेथड को आगे लेके चलता है। क्या वो मेथड हम देखते हैं। देखो, बेसिकली आपको पता है कि चाइना है ना, इसके अंदर एक जगह है, आप बोल सकते हो कि एक इसके ऑटोनोमस स्टेट है जिसका नाम है हांगकॉन्ग और एक है मकाऊ। अब हांगकॉन्ग और मकाऊ बेसिकली उस टाइम पे कॉलोनी थी, तो इनके अंदर क्या है कि इनको थोड़ी ऑटोनोमी दी गई है। अब चाइना का जो 1 कंट्री 2 नेशन सिस्टम है ना, वो ये कहता है कि वैसे तो जो चाइना है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो और इसी के साथ ही हांगकांग और मकाऊ, ये तीनों एक ही हैं, मतलब मेन चाइना की ही कंट्री हैं, बस इसको फिर पार्टों में डिवाइड कर रखे हैं। और फिर देखो, बात ऐसी है, 2 सिस्टम का मतलब ये है कि चाइना की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टीज हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं, जबकि वहीं पे हांगकांग और जो मकाऊ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इसी के साथ जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चाइना से अलग है। इसीलिए 1 कंट्री 2 सिस्टम है, कंट्री तो एक ही है, ऑल ओवर चाइना के अंदर ही आते हैं हांगकांग मकाऊ भी, बट फिर भी कंट्री एक है जबकि सिस्टम दो है, यानी पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है दोनों की और इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी चाइना की अलग है। अब बात ऐसी है कि चाइना को लेके हांगकांग में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे कि चाइना है वो इस 1 कंट्री 2 सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और हांगकांग को मर्ज करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इसको लेके काफ़ी भी विवाद उठा हुआ है। तो हमें ये बताना चाहिए, एक तो हांगकांग की लोकेशन, मकाऊ, ये आपको कुछ फेक ध्यान में रखनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ही बेसिकली हांगकांग और मकाऊ हैं
वो दोनों ही चाइना की उस टाइम पे कॉलोनी थी, यानी फॉर्मर कॉलोनी थी। इनको लेके बाद में चाइना ने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के तौर पर इनको डेवलप किया, जिस तरीके से हमारे देश में आपको पता होगा कि नागालैंड वाले हिस्से को उनको थोड़ी प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब उनको लेके स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है। उससे तरह से ऑटोनॉमी इनको हांगकॉन्ग को और मकाऊ को दी गई थी, बट इनकी ऑटोनॉमी हमारे देश की जो ऑटोनॉमी का सिस्टम था उससे बहुत अलग थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उनकी पॉलिटिकल पार्टी और इकोनॉमिक सिस्टम अलग नहीं था नागालैंड वगैरह का, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें चाइना में तो हांगकॉन्ग और मकाऊ की पॉलिटिकल पार्टियाँ भी अलग है चाइना से और इकोनॉमिक सिस्टम भी चाइना से अलग है। तो ये आपको यूपीएससी पूछ सकती है। लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये तो रहा यहाँ पे चाइना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा चाइना ये रहा, यहाँ पे नीचे ये हांगकांग, ये आपको दिख रहा होगा पूरा हांगकांग यहाँ पे, वैसे पूरा आइलैंड टाइप में है। और यहाँ पे दिख रहा होगा मकाऊ, ये देखो इधर एक छोटा सा, ये है मकाऊ इधर। दोनों ही वैसे मतलब इनको ऑटोनॉमी दी गई है और इनका जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाइना से अलग काम करती हैं और इवन इकोनॉमिक सिस्टम भी चाइना से अलग है। बस ये आपको उस फैक्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा को लेके, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ देखो, जो H1N1 वायरस है ना, ये एक तो इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इन्फ्लुएंजा ए टाइप के वायरस में आता है H1N1 वायरस। और H1N1 जो वायरस है वो इवन जो आप बोल सकते हो कि पक्षी और पशु हैं उनसे इंसान में स्प्रेड हो सकता है। मेनली इसको स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि यह स्वान, स्वान का मतलब होता है कि पिग यानी सुअर के बच्चे को कहते हैं ओमली, तो सुअरों से ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है होता है, इसलिए इसका नाम दूसरा स्वाइन फ्लू भी है। तो इंसान ध्यान रखना आपको कि ये स्वाइन फ्लू है वो मतलब प्लांट सॉरी जो एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर है वो होता है। अब यूपीएससी की बार ऐसे पूछ लेती है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, ह्यूमन टू एनिमल नहीं होता? नहीं भाई साहब, एनिमल टू ह्यूमन होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। मतलब अगर एक स्वान में है तो दूसरे स्वान में फैल जाएगा और फिर इससे ह्यूमन में भी शिफ्ट है वो हो सकता है। अब देखो इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि हाई फीवर होना, कफ होना, इसके साथ ही सीने में दर्द होना, और जो बॉडी सिस्टम है डाइजेशन सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है, शरीर में अजीब सी अकड़न टाइप की हो जाती है। अब बात ऐसी है कि जो H1N1 यानी कि जो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा है इसको लेके क्या इफेक्ट है? देखो यह मेनली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना इनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसी के साथ ही मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में फैलता है ज़्यादा। अब यूपीएससी देखो कई बार क्या पूछ लेती है कि है केवल टेम्परेट रीजन में फैलता है। आपको पता है कि टेम्परेट में नहीं, मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा फैलता है, इन एरियो पे ज़्यादा अटैक है वो इसका होता है। कब? मानसून के सीजन में, यानी कि जो अभी जो सीजन चल रहा है इस सीजन में स्वाइन फ्लू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। और कंटेक्स्ट ये था कि राजस्थान और महाराष्ट्र में इस साल 2019 में स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा केस हैं वो देखे गए थे, यहाँ पे सबसे वर्स्ट कंडीशन है वो रही है ऑल ओवर इंडिया में। तो उसी को लेकर कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्वाइन फ्लू है क्या, कौन से इन्फ्लुएंजा से फैलता है, प्लांट एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, सिम्टम्स वगैरह क्या हैं, कौन से टाइम में फैलता है, ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। और हाँ, इसका इलाज है वो संभव है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रीटमेंट इसका संभव है। लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है बायोमेट्रिक सी फेरियर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। सी फेरियर का मतलब होता है नाविक, जो नौका वोका लेके जाते हैं ना समुद्र में उन बोल के। देखो हमारे देश में जो मछुआरे हैं एक तरीके से या फिर और भी जो नाविक हैं जो समुद्र में जाते हैं उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किया गया है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक पहला इनिशिएटिव अपने आप में। होगा क्या इसमें? इसमें देखो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रखी जाएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन कैसे? कि जिस तरीके से आधार कार्ड में आपको पता है कि बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसी तरीके से ये जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होगा नाविकों का इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। आधार कार्ड की तरीके का ये बना हुआ होगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाएंगी, एक चिप लगी हुई होगी जिसकी वजह से आइडेंटिफाई को मतलब इसकी आइडेंटिटी है वो पता लगाई जा सकती है कि इंसान वैलिड है या नहीं है। तो ऐसा इंडिया पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया है कि भाई जो भी सी फेयर यानी कि नाविक समुद्र में जाते हैं उनकी बायोमेट्रिक सी आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किया जाएगा। तो ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में कहीं भी पूछ सकती है। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।